Dear students, today we will discuss a very important topic of mathematics, geometry, similarity. This is our lecture number 4 hum padhenge. This video or lecture is based on examples based on BPT and converse of BPT. आज का जो वीडियो लेक्चर हमारा है ये बेस है जो बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी हम लोगों ने पढ़ा लेक्चर नंबर 3 में, उसके ऊपर बेस एग्जांपल्स है. सो दिस इज अवर प्रैक्टिस सेट 1.2 व्हिच इज बेस ऑन बीपीटी एंड कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के ऊपर ये लेक्चर वीडियो डिपेंड है. बस इस वीडियो को देखने के पहले आपको प्लीज़ रेफर वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 वो पहले देखना है. जब तक आप प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखेंगे ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा. सो प्लीज़ रेफर लेक्चर नंबर 1, 2, 3. दिस इज लेक्चर 4 बीपीटी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी. इसके ऊपर डिपेंड है हमारा प्रैक्टिस सेट 1.2. टॉपिक है सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का. बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सिंपल, बहुत स्कोरिंग, फुल मार्क्स आप स्कोर कर सकते. उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस आपको बताई जा रही है, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उन चीज़ों पे फोकस करिए, उसको समझिए, समझने की कोशिश करिए. तो ज्योमेट्री आपके लिए बहुत सिंपल है, डरने की आपको कोई ज़रूरत नहीं. आपको डरना नहीं ज्योमेट्री से, आपको बहुत सिंपल लगेगा ज्योमेट्री जब आप इन क्लासेस को करेंगे. इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू. स्कोरिंग है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक रेफर करना है, नोटबुक लेना है, पेन लेना है, प्रैक्टिस करना है, लिखना है, प्रेजेंटेशन प्रॉपर वे स्मार्टली पढ़ना है, टीचर को इम्प्रेस करना है, हेडफोन लगाना है, पूरा वीडियो देखना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है. नाउ इन लेक्चर नंबर 1 वी हैव स्टडीड अबाउट सिमिलर फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स. लेक्चर नंबर 1 पढ़ा हम लोगों ने, देख पहले देखिए आप लोग, अगर मिस हो गया है तो. इन लेक्चर नंबर 2 वी हैव स्टडीड प्रैक्टिस सेट 1.1. दिस इज प्रैक्टिस सेट 1.2. 1.1 हमने देखा. प्रैक्टिस सेट 1.1 जो था इट इज़ बेस ऑन थेरम्स ऑन एरियाज ऑफ ट्राइंगल्स A1/A2, B1/H1, B2/H2 अपॉन A1/A2 इट इज इक्वल टू B1/B2 वेन हाइट्स आर इक्वल, A1/A2 H1/H2 वेन बेसिस आर इक्वल. जिसको हम बोलेंगे एरिया प्रोपोर्शनल टू द बेस वेन हाइट्स आर इक्वल, एरिया प्रोपोर्शनल टू द हाइट वेन बेसिस आर इक्वल. बेस है तो हाइट, हाइट है तो बेस. ये था हमारा लेक्चर नंबर 2. लेक्चर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था. इट इज़ बेस ऑन बीपीटी. बीपीटी के बारे में हमने पढ़ा, उसका थ्योरम मैंने बताया, सिंपल वे बताया, उसके ऊपर 4 मार्क का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम में आएगा, उन क्वेश्चंस को स्मार्टली पढ़ना है. बीपीटी और कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी के बारे में पता होना आने वाले क्वेश्चंस है. 2 मार्क प्रैक्टिस सेट 1.1, 4 मार्क बीपीटी कॉन्वर्स अच्छे से करिए. और ये अब जो हम वीडियो ले रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.2 बेस्ड ऑन बीपीटी एंड कॉन्वर्स, इसके एग्जांपल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में, इस वीडियो में. अब सबसे पहले आपको बीपीटी पता होना क्या होता है. बीपीटी, बीपीटी में ट्रायंगल रहता है. ट्रायंगल होना, ट्रायंगल एक सेगमेंट, एक लाइन है. ट्रायंगल के 3 साइड में से किसी एक साइड को कट करेगी. ये कट किया, ऐसा भी कर सकते, ऐसा भी कर सकते, बट दिस इज कन्वीनियंट. ट्रायंगल पैरेलल चाहिए, ट्रायंगल के एक साइड को एक लाइन पैरेलल चाहिए. ट्रायंगल पैरेलल चाहिए, देन अप्लाई बीपीटी. बीपीटी मींस रेशियोज आर इक्वल. जब भी हम रेशियो को इक्वल बताएंगे उसको बीपीटी बोला जाता है. बीपीटी में ट्रायंगल पैरेलल होना, देन रेशियोज आर इक्वल, बीपीटी. कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी में अलग है. ट्रायंगल है, रेशियो इक्वल है,
ट्रायंगल में रेशियोज इक्वल है देन लाइंस आर पैरेलल कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। फिर सुन लीजिए, बीपीटी ट्रायंगल पैरेलल रेशियो इक्वल, बीपीटी कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी ट्रायंगल रेशियो इक्वल पैरेलल। तो जब भी हम पैरेलल बताएंगे, पैरेलल कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, पैरेलल में कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी और रेशियो इक्वल में बीपीटी। सो ये आपको अगर पता है तो ये आपके लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ। इससे सिंपल बनाना मुश्किल है, इसका बेनिफिट लीजिए। सिंपल है, आपके लिए फ़ायदे की चीज़ें हैं, आपके फ्रेंड्स को बताना है, शेयर करना है, लाइक करना है। तो चलिए अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल है, इसमें आपको दिया PR20, NR8, PQ25, PM15। अब ये नहीं पता तो यहाँ यूज़ करेंगे बिटवीननेस। बिटवीननेस का कंसेप्ट इन स्टैंडर्ड 9th, 20 - 8 12, या 12 लिखिए, 25 - 15 यहाँ पे 10 लिखिए, 10 12। बिटवीननेस, बिटवीननेस का कंसेप्ट यूज़ करना है आपको, डायरेक्ट करना है ये। अब डायरेक्ट करने के बाद हमें प्रूव करना है कि ये पैरेलल है क्या, मींस कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी चेक करना है। वी हैव टू वेरीफाई पैरेलल और नॉट मींस कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर रेशियो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल है। अब हम रेशियो निकालेंगे अलग अलग, PN/NR, PM/MQ कैंसल, 3/2 3/2, राइट साइड इज इक्वल, लेफ्ट साइड इज इक्वल, फ्रॉम 1 and 2, ट्रायंगल रेशियो इक्वल, लाइंस आर पैरेलल, कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, सिंपल आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, मेजर ऑफ सम एंगल्स गिवन, फिगर है, इसमें आपको रेशियो इक्वल बताना है, AP/PB, AQ/QC। अब यहाँ रेशियो इक्वल बताना है, मतलब इसमें हम यू चेक करेंगे लाइंस पैरेलल है कि नहीं, बीपीटी के ऊपर बेस है। बट ये जो प्रॉब्लम है, इसमें कहीं पर भी पैरेलल लिखा नहीं है, इसमें पैरेलल है ही नहीं। ट्रायंगल है, रेशियो इक्वल बताना है तो पैरेलल चाहिए, बिना पैरेलल हम रेशियो इक्वल नहीं बता सकते, पैरेलल चाहिए। अब हमें सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा पैरेलल। नाउ पैरेलल हम प्रूव करेंगे, एंगल APQ और एंगल ABC इक्वल है, 60 60 डिग्री। पर स्टैंडर्ड 9 में हमने पढ़ा कि इसको बोलते करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दिस टू एंगल्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल। इन 9th स्टैंडर्ड वी हैव स्टडीड करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट और पैरेलल लाइंस, व्हेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रूवेंट लाइंस आर पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गए, पैरेलल बताना है पहले। आफ्टर पैरेलल नाउ अप्लाई BPT, AP/PB, AQ/QC, ट्रायंगल पैरेलल BPT, पहले पैरेलल बताना है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर है। अब यहाँ पे 3 ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल्स, देखिए कौन से, XDE, XEF, XDF, 3 ट्रायंगल। अब ये पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है पैरेलल, ये भी पैरेलल दिया है, ये आपको पैरेलल चेक करना है। चेक करना है मतलब कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये पैरेलल है मतलब बीपीटी, इसका मतलब इसमें दो बार बीपीटी लगेगा, दो बार बीपीटी और एक बार कॉन्वर्स, इसलिए आने वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। अब हम लेंगे, और ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी, एक्टिविटी का बेस क्वेश्चन है ये। अब आपको पता होना, आपका जो पेपर पैटर्न होता है उसमें सम क्वेश्चंस आर एक्टिविटी बेस्ड, एक क्वेश्चन ही पूरा एक्टिविटी बेस्ड होता है। तो सबसे पहले हमने आपके लिए पेपर पैटर्न बताया है, वो पेपर पैटर्न देखिए। पेपर पैटर्न देखना है फिर पढ़ाई करना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है। पेपर पैटर्न ही पता नहीं और पढ़ाई कर रहे, कोई मतलब नहीं है। पेपर पैटर्न पहले देखो, स्मार्ट वे में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, प्रॉप और स्मार्ट वे में पढ़ना है आपको। तो पहले पेपर पैटर्न देखना है, सम क्वेश्चंस आर एक्टिविटी बेस्ड, आने वाला क्वेश्चन है ये, दो बार बीपीटी एक बार कॉन्वर्स, क्योंकि दो पैरेलल है और एक पैरेलल हमें चेक करना है। अब ये क्वेश्चन में टेस्ट बुक में करेक्शन है, यहाँ लिखा है PRDF, मैंने PRDF लिखा, टेस्ट बुक में लिखा है PRDE, टेस्ट बुक में PRDE लिखा है, करेक्शन करना है PRDF, दिस इज द करेक्शन इन यूअर टेस्ट बुक।
अब हम एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे, बॉक्सेस को फिल करेंगे, बॉक्सेस को आपको फिल करना है। चलिए ट्रायंगल एक्स डी ई, एक्स डी ई बीपीटी लगाएंगे, एक्स पी पी डी एक्स क्यू क्यू यू, यहाँ लिखेंगे बीपीटी, जहाँ आपको बीपीटी लिखना है बीपीटी, बीपीटी लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अब दूसरा इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, एक्स एक्स ई एफ, एक्स ई क्यू ई, एक्स आर आर एफ, अगेन बी पी टी, दिस इज गिवन बी पी टी, पैरल इज गिवन, यहाँ है गिवन, यहाँ बी पी टी, यहाँ गिवन पैरल गिवन बी पी टी, रेशियो इक्वल मीन्स बी पी टी। अब ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल रहेंगे फ्रॉम वन एंड टू। और आपको बताया कि इन ट्राइंगल वेन द रेशियोज आर इक्वल लाइन्स आर पैरल, सो पी आर इज पैरल टू डी एफ, रीजन लिखेंगे कॉन्वर्स ऑफ बी पी टी। सो दिस इज एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक में करेक्शन, रेफर लेक्चर 1, 2, 3, पूरा वीडियो देखना है, हेडफोन यूज़ करना है, मैक्सिमम लोगों को बताना है, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना है, हेडफोन यूज़ करना है, टेक्स्ट बुक को रेफर करना है, नोटबुक में प्रैक्टिस करना है, स्मार्ट वे में पढ़ना है, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, स्कूल में आएगा, स्कोरिंग करिए, टीचर को इम्प्रेस करिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। थैंक यू।